गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 15 हम स्किप कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है? वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। तो पानी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य संसाधन है। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। इट इज द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर ऑल लिविंग बींग, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। इट इज वाइटल फॉर बॉडी फ्लूइड विच regulate various life processes in our body, with digestion of food, excretion of waste, transportation of material, etc. So, पानी एक ऐसा natural resources है जिसके बिना पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। चाहे plant हो, animal हो, human being हो, सबके लिए पानी बहुत ही जरूरी है। शरीर के बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो भी पानी से ही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अब हम उसको पढ़ेंगे। ऑल दो देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन आर प्लैनेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वाटर इज इन ओशियन एंड सीज। तो हमारे पृथ्वी में पानी तो बहुत है, कितना पानी है? 3/4 में पानी है, लेकिन 97.4% पानी सिर्फ ओशियन और सीज में है। The water in ocean and seas cannot be used for drinking, domestic use, irrigation and industrial need because it contains many salts. तो इनका इस्तेमाल इन कामों में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारा नमक होता है। Only a small fraction of fresh water is readily available for use. तो हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत कम है। Thus, if all the water on the earth is represented by a 100-liter container, the entire fresh water would amount to approximately 2.5 liter. तो अगर पूरे पृथ्वी के पानी को हम 100 लीटर मान लें तो उसमें से सिर्फ 2.5 लीटर ही क्या है? फ्रेश है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी किस किस रूप में पाया जाता है। वाटर इज ओनली सब्सटेंस दैट ऑकर इन ऑल द थ्री फॉर्म दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी में पानी की तीन अवस्थाएं हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में और तीसरा गैसियस फॉर्म में। दीज थ्री स्टेट ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल और इंटर कन्वर्टिबल। तो पानी जो है इन तीनों फॉर्म में क्या होता है? रोटेट होता रहता है और इस तरीके से ये रिवर्सिबल है। दीज थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो तापमान को बदलकर हम इनके जो स्टेजेस हैं उनको बदल सकते हैं। जैसे जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर बन जाता है, और ज्यादा गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बन जाता है। जब वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो वाटर बनता है और उसके बाद आइस बन जाता है। सच चेंज ऑफ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक बाय चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इस प्रक्रिया को इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ थ्री फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वो किन किन रूपों में और कैसे पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइसबर्ग्स, एज स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट एंड एज आइस क्रिस्टल्स इन द क्लाउड। तो ग्लेशियर के फॉर्म में, आइसबर्ग के फॉर्म में, स्नो हेल के फॉर्म में, फ्रोस्ट के फॉर्म में और आइस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि क्लाउड में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में रेन, ड्यू एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑल्सो लिक्विड वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन। तो लिक्विड फॉर्म में कैसे पाया जाता है? बारिश के रूप में, ड्यू के रूप में, क्लाउड के रूप में, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। और उसका 3/4 जो है वो लेक्स में, रिवर्स में एंड ओशियन में है। गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर, फॉग, स्टीम और क्लाउड में है। अगर पानी का टेम्परेचर 0 degree से नीचे हो जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जिसे हम आइस कहते हैं। बिटवीन 0 degree Celsius एंड 100 degree Celsius वाटर एग्जिस्ट मोस्टली इन लिक्विड स्टेट। तो इन तापमान के बीच में वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। अ पार्ट ऑफ वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर। अब 100 degree वाटर एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एज स्टीम। तो अगर पानी को 100 से ज्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाए तो वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। आई होप यहां तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।